तो जी हम पहुंच गए हैं हैदराबाद सिटी में और फर्दर हम मूव कर रहे हैं। अब हम जाएंगे मक्खी म्यूजियम। मक्खी है, पता नहीं मक्खी ये मक्खी है, मक्खी नहीं होगा। तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। और ये रोड तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है हैदराबाद। बेसिकली रोड खालिद, हैदराबाद के रोड जो है वो इतने अच्छे नहीं है अंदर के, खराब तो कहीं ख़राब हैं। हाँ बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं, कहीं ख़राब हैं कहीं सही है, लेकिन ये रोड अच्छा बना हुआ है और ये रोड पहले से अच्छा बना हुआ है। अभी भी इन्होंने ये इसको अच्छा ही रखा हुआ है, ये अच्छी बात है। और ये देखें जनाब, ये खा रही हैं सिंधी समोसे और बड़े मज़े के हैं। मैंने एक खाया, दिल खुश हो गया, इतने क्रिस्पी। और जो इसका अंदर का मसाला है, यम, मतलब कराची में ऐसे समोसे नहीं मिलते। वो तो वो समोसे अलग है ना, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी जो डले हुए हैं बहुत ही मुनासिब से, बहुत मजे के, कोई फजूल चीजें नहीं है और बहुत फ्रेश समोसे और बहुत मजे के। हमें लाड़काना याद आ गया ये समोसे खाकर। ये चल रही है मार्केट, ली मार्केट। नहीं, ये अपनी तरफ से बोल रहा है ली मार्केट को, कोई ली मार्केट नहीं है ये है, पता नहीं क्या नाम है इसका जगह का, ये वो मार्केट है। हैदराबाद में ठंडी सड़क भी आई ना। A few inches later. तो जनाब हम पहुंच गए मुखी हाउस म्यूजियम और ये लोग अंदर जा रहे हैं और बाहर की सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें हैदराबाद सिटी और ये छोटी छोटी गलियाँ। तो फर्दर अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन क्या है यहाँ का। तो ये हमारे टिकट्स आ गए हैं भाई। ये मुखी हाउस, ये है जनाब मुखी हाउस। और यहाँ मुखी हाउस पे जो है वो वीडियो अलाउ नहीं थी, तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बना सके। लेकिन ये कि एक हिस्टोरिक प्लेस है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी आकर रुक चुके हैं और उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हुई थी। तो ये कोई बिजनेसमैन थे यहाँ पर, मुखी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो यहाँ रहते थे और उन्होंने ये पैलेस बनवाया था। तो इट्स नाइस, देख रहे हैं पैलेस पूरा। तो ये उस ज़माने का पैलेस जो है ये बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है। हैदराबाद की अल शरीफ बिरयानी, इसकी भाई बड़ी तारीफ सुनी है। तो हम ढूंढ ढांड के अल शरीफ बिरयानी पर पहुंच गए हैं। यहाँ की बिरयानी की बड़ी तारीफ सुनी है, बिरयानी यहाँ पे बड़ी अच्छी है। तो अब हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बिरयानी यहाँ कैसी है। तो और कुछ समझ में नहीं आया भाई, कुछ चीज़ें हैं वो रात की हैं, तो रात को तो जाहिर बात है अभी नहीं, दिन का टाइम है, तो अभी यहाँ टाइम गुजारना है, कुछ ना कुछ तो खाना है ना, तो चलते हैं अंदर। ये फेमस है यहाँ पे अच्छा, ओके। खामोश आदमी इस वक्त हमारे पास खालिद है, बात ही नहीं कर रहा कोई। उनको बोल रहे हैं मैं उधर उसके लिए गया हूँ, नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं, वो रिश्ते के लिए गया हूँ, भतीजे का, भांजे का। नहीं नहीं वो भी बात चल रही है, ऐसे झूठ नहीं बोला। हाँ अच्छा बना हुआ है, अब बिरयानी अच्छी। हाँ तो अंदर से तो काफ़ी अच्छा है और बेहतर लग रहा है। अब ये बिरयानी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है सराउंडिंग्स में, अभी ये बिरयानी आएगी तो पता चलेगा कैसी है। तो जनाब ये बिरयानी जो है वो पहुंच गई है, हमने कुछ स्पाइसी मंगवाई है और खालिद ने मंगवाई है ज़रा कम स्पाइसी, तो उसके वाइट चावल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये बिरयानी आ गई है, बर्गर लड़की ने फ़ोन को खाना खिला दिया है पहले और अब उसकी अपनी बारी है खाने की। और ये बेगम साहिबा पहले स्टार्ट हो गई हैं, कैमरा शैमरा लगा लिया है इन्होंने, सेटिंग हो गई कंप्लीट है ना जी। और ये हंस रही हैं। नाउ टाइम टू ईट, टाइम टू ईट। तो भाई ये आ गया है मामला, चलो भाई किसका इंतज़ार है। और ये आप देखें खाते हुए इनको, ओह ओह
बिरयानी में से टमाटर देखें कितने निकले हैं, एक प्लेट में से निकले या दूसरी प्लेट में से निकले हैं, बहुत टमाटर है। इससे आप आइडिया लगाएं कि इनकी बिरयानी कितनी अच्छी है, इसमें इतने टमाटर है। बहुत अच्छी थी, बस जबरदस्त ही खाई है, पेट पूजा की है इससे तो खाई नहीं ओके यहाँ से भाई हम निकले हैं, बिल्कुल पतली गली थी और खालिद ने हमें गाइड किया। खालिद कितनी पतली थी है ना, बिल्कुल शॉर्ट थी। अब आगे का ही कुछ पता नहीं है, आगे क्या सीन है ये देखे। हम निकल तो आए हैं पर पता नहीं है, देखो ना। तो हम जो मीर हैं उनके टॉम पर आए हुए हैं, टॉम्स ऑफ तालपुर मीर हैदराबाद, और ये आप देखें साथ में बारिश भी हो रही है, और ये आप देखें हसीन लग रहा है, वाह जी वाह। और ये आगे भी इसी तरह बने हुए हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये रियल मीर्स जो ये बंद हो जाता है किरण, तो ये रियल मीर्स जो अंग्रेजों से लड़े थे ना, तो ये उनके टॉम्ब है। बंद कर भाई ने हमारे लिए मेहरबानी की, खोल दिया उन्होंने दिखाने के लिए। तो ये आपने देखा जैसे टॉम के अंदर मैंने आपको दिखाया, ये स्पेशली भाई ने हमारे लिए खोल दिया क्योंकि हम हो गए लेट और ये बंद हो गया, तो ताला खोल के वो हमें दिखा रहे हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, ये आप देखें ना। और ये जो बेगम का इनकी टॉम है ना, वो ये है मेन टॉम ये है, और दूसरा जो है वो ये है इनकी बेगम का, और बाकी इसके अलावा जो है ये इनके बेटों का है, ये वाला टॉम जो है इनके बेटों का है, फिर वो दीगर औरतों के, ये जो है टॉम ये बच्चों का है।